दोस्तों नमस्कार, मैं वरेंद्र पटेल। उत्तर प्रदेश में जब से समाजवादी पार्टी ने बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को हराई है, उसके बाद से लगातार दूसरे दल के नेताओं का आवागमन समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आपको इसी को मद्देनज़र रखते हुए एक बहुत ही तगड़ी सीट जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गई है, हालाँकि उस सीट से अब नेता जो है समाजवादी पार्टी की तरफ आ रहे हैं, उसका कारण भी बताऊँगा, सारा समीकरण भी समझाऊँगा। आपको बता दें कि अलीगढ़ के कद्दावर नेता राजेश कुमार सैनी एक जमीनी नेता हैं, वो जो है कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ लोकसभा सीट के अंतर्गत आते हैं और वो भारतीय जनता पार्टी में खैर नहीं थे, उनको टिकट के लिए बहुत प्रयास कर रहे थे। 2024 में समाजवादी पार्टी की तरफ से उनको टिकट मिले, लेकिन टिकट नहीं मिला तो निर्दल चुनाव लड़ गए। हालांकि सीट पर बहुत कांटे की टक्कर हुई थी, राजेश कुमार गौतम निर्दल लड़ गए थे और अब वो समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिए हैं, क्योंकि वहाँ का जो समीकरण है उसको देखकर भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूट जाएंगे। उसमें कई कारण मैं बताऊंगा। 5 विधानसभा है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ लोकसभा में, 5ों विधानसभा पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। इसके बावजूद भी लोकसभा 2024 में अखिलेश यादव ने ऐसी रणनीति बनाई थी, ऐसा कैंडिडेट दिया था, समीकरण ऐसा बैठा था कि महज लोकसभा चुनाव में 15,647 वोट मात्र से ही वो चुनाव समाजवादी पार्टी हारी है। अब 5ों विधानसभा में आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। अब आपको बताता हूँ कि 12 अगस्त 2024 को राजेश कुमार सैनी एक कद्दावर नेता है, वो समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। अब अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी मजबूत होगी और मात्र थोड़ा बहुत अंतर से जो चुनाव हारे हैं उसका रिपीट दोबारा नहीं होगा, इस तरह का जो कयास लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि 2024 में इस सीट पर हुआ क्या था, जो कि चौधरी बीरेंद्र सिंह को अखिलेश यादव ने जो है कि खड़ा किया था अलीगढ़ लोकसभा सीट से। जाट नेता है चौधरी बीरेंद्र सिंह और कद्दावर नेता है और खूब लड़े। और बीजेपी ने यहाँ सतीश कुमार गौतम मतलब जाटो समाज के हैं और इनको खड़ा किया था, ये जीत गए हैं 15,647 वोटों से। 5ों विधानसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा है अलीगढ़ के, ठीक है। अब इसका जातीय समीकरण अब देखेंगे तो मुस्लिम वहाँ पर 3.5 लाख हैं, ब्राह्मण 3 लाख हैं, जाट जो है 2.25 लाख हैं और जाटो 2 लाख हैं, ठाकुर 2 लाख हैं और अन्य बिरादरियाँ भी, यादव भी हैं बैस और छोटी मोटी और बिरादरियाँ भी वहाँ पर छोटा छोटा मतलब संख्या में हैं। तो इसके बावजूद भी मैं आपको बता रहा हूँ कि 5ों विधानसभा पे कब्जा था, चौधरी बीरेंद्र सिंह जाट नेता थे, खूब लड़े भारतीय जनता पार्टी से लगातार। मैं बताऊँ पहले चुनाव की जब काउंटिंग हुई तो बीजेपी आगे चली, लेकिन बीच में साइकिल खूब दौड़ी, लास्ट के छः टर्नओवर रह गया था उसमें, जो कि छह सेट रह गया था चुनाव को गिनती करने, वहाँ से समाजवादी पार्टी जो है पिछड़ी है और 15,647 वोटों से मात्र वहाँ पर चौधरी बीरेंद्र सिंह जो है कि चुनाव हारे हैं। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुद राजेश कुमार सैनी को अलीगढ़ लोकसभा सीट के अंतर्गत आते हैं उनको ज्वाइनिंग कराया और बताया कि मिल के मजबूती से लड़ना है। चौधरी बीरेंद्र सिंह बहुत मेहनत किए थे, चौधरी बीरेंद्र सिंह के साथ राजेश कुमार सैनी आए और समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए हैं और बताया जा रहा है कि अब समीकरण वहां पर बदलता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट खड़ा किया, जिस तरह से मैनेजमेंट किया, 5-5 विधानसभा बीजेपी के कब्जे में होने के बावजूद भी अलीगढ़ की लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के जो कि पसीने छुड़ा दिए समाजवादी पार्टी ने, तो राजेश कुमार सैनी जो है कि कद्दावर नेता है, निर्दल चुनाव लड़ गए थे, इसका कारण से समाजवादी पार्टी वहां से हार गई। लेकिन राजेश कुमार सैनी 2024 में टिकट चाहते थे, नहीं मिल पाया, जो कि वहाँ चौधरी बीरेंद्र सिंह को मिल गया, जाट नेता है। तो अब बताया जा रहा है कि चौधरी बीरेंद्र सिंह और राजेश कुमार सैनी की मुलाकात हुई, दोनों चौधरी बीरेंद्र सिंह खुद अखिलेश यादव के पास लेकर आए और समाजवादी पार्टी ज्वाइन करा दिए। तो अब वहाँ का समीकरण भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी को मजबूत करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो लगातार अन्य जो है कि पार्टियों से लगातार एक खेल जारी है, अखिलेश यादव से मुलाकात कर रहे हैं, अखिलेश यादव बिजी हैं, कहीं पर जो है कि श्यामलाल पाल जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, पाल बिरादरी गणेरिया बिरादरी से हैं, गणेरिया बिरादरी का भी खूब दबा के वोट मिला है, तो वो भी ज्वाइनिंग प्रयागराज से लेकर अलीगढ़ से लेकर तमाम जगहों पर जो है कि श्यामलाल पाल समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए पाल बिरादरी के नेताओं को पूरी तरह से समाजवादी पार्टी में दनादन वापसी कराते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नए समीकरण के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।